अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज YouTube की तरफ से YouTube मोनेटाइजेशन Google AdSense डीपेरिफिकेशन से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आई है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो सके और आप लोगों को पता चल सके कि YouTube मोनेटाइजेशन Google AdSense डीवेरिफिकेशन से रिलेटेड कौन सी अपडेट आई है और अब आप लोगों को कैसे अपने अकाउंट को वेरीफाइड करवाना होगा या किस चीज़ को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले आप लोगों को Google AdSense का अकाउंट बनाना पड़ता था या YouTube चैनल को पार्टनर प्रोग्राम के साथ अटैच करने के बाद जब आपके अकाउंट में $10 आ जाते थे तो आप लोगों के एड्रेस पर एक पिन भेजी जाती थी। वो पिन आप 3 मरतबा अप्लाई करते थे और वो पिन आप लोगों के एड्रेस पे आ जाती थी और उसके बाद आप अपने AdSense अकाउंट को वेरीफाई कर लेते थे। लेकिन उसके साथ ही साथ तकरीबन ये 2 साल से जो स्टेप न्यू YouTube ने उठाया था वो ये था कि आप लोगों की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। मतलब आप लोगों की जैसे ही AdSense अकाउंट में $10 घुटते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने एड्रेस, अपना ID कार्ड का फ्रंट साइड जो है वो कैप्चर करके अपलोड करनी पड़ती थी और उसके बाद आपके एड्रेस पर पिन भेजी जाती थी। अब कई लोगों को ऐसा होता था कि वो अपने पिन से ही वेरीफाइड कर लेते थे और उनका एड्रेस वेरीफाइड हो जाता था। फिर अब जो YouTube नई अपडेट लेके आया है, YouTube का कहना यह है कि जनाब अब आप लोगों को अपने एड्रेस वेरीफाई करने के लिए खाली पिन से वेरीफाइड नहीं करना होगा बल्कि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना ID कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड भी अपलोड करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो YouTube रीवेरिफिकेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है, मतलब जिन लोगों ने आज तक अपने YouTube चैनल Google AdSense AdMob के अकाउंट्स को बगैर अपने ID कार्ड के वेरीफाइड किया हुआ है, मतलब अपने सिर्फ पिन के साथ वेरीफाई किया हुआ है, तो उनको अब दोबारा से अपने अकाउंट्स को वेरीफाइड करवाना होगा। चाहे वो अपने पासपोर्ट से करवाएं, उसके अलावा ID कार्ड से करवाएं जो नेशनल ID कार्ड है उसके साथ। अब आप लोगों को बताता चलूं कि अब क्या हुआ करेगा। अब जैसे ही आपके $10 हुआ करेंगे 15 मार्च के बाद जो न्यू अपडेट आ रही है YouTube Google AdSense से रिलेटेड या रीवेरिफिकेशन से रिलेटेड, उसका प्रोसेस ये होगा कि अब आप लोगों को अपना ID कार्ड की फ्रंट एंड बैक साइड दोनों ही अपलोड करना पड़ेंगे। उसके बाद आपका एड्रेस वेरीफाई होगा और उसके बाद आपके एड्रेस पर एक पिन आएगी, वो पिन आपने एंटर करनी है और उसके बाद आपका Google AdSense का अकाउंट मुकम्मल वेरीफाइड हो जाएगा और आप उससे पेमेंट ले सकेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि जिन लोगों के पहले से वेरीफाइड हुए हैं, मतलब जिन लोगों ने जस्ट पिन वेरीफिकेशन, जैसे पहले प्रोसेस होता था कि आप लोगों के एड्रेस पे एक पिन आती थी, वो आप लोग एंटर करते थे और उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता था। लेकिन अब YouTube का कहना ये है कि 15 मार्च के बाद हम लोग ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं कि जितने लोगों ने भी जस्ट पिन के थ्रू या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के थ्रू ही खाली अपने अकाउंट को वेरीफाइड करवाया हुआ है, वो अब अपने ID कार्ड की बैक जो उस पर एड्रेस लिखा होता है उसके थ्रू वेरीफाइड करवाएंगे। वो आप लोगों को आपके YouTube चैनल के डैशबोर्ड या Google AdSense के होम पर ऊपर एक पट्टी नुमा शो हो जाएगा 15 मार्च के बाद, तो आप लोग उससे क्लिक करके अपने ID कार्ड से उसको वेरीफाइड करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि उसको वेरीफाई करने से पहले आप लोगों को एक चीज अपने माइंड में लाजमी से रखनी है कि जो आप लोगों का Google AdSense का अकाउंट है या उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की हुई है वही सेम टू सेम आपके ID कार्ड पर होनी चाहिए। मतलब कई लोग क्या करते हैं कि अपना YouTube चैनल बनाया है, उसके बाद Google AdSense का अकाउंट बनाने के बाद Google AdSense में वही इंफॉर्मेशन फिल कर रहे होते हैं जो उनके चैनल से रिलेटेड है, मतलब लास्ट नेम फर्स्ट नेम वो अपने चैनल वाला नाम रख रहे होते हैं, वहां पर उनको अपने ID कार्ड वाला नाम रखना है और जो एड्रेस आपके ID कार्ड पर लिखा हुआ है सेम टू सेम वही एड्रेस आप लोगों ने अपना Google AdSense के अकाउंट में लिखना है ताकि आप लोगों को वेरिफिकेशन में किसी भी किस्म का कोई भी इशू देखने को ना मिले। सो दोस्तों, ये थी छोटी सी अपडेट जो कि शेयर करना आप लोगों के साथ मैं जरूरी समझता था। अगर अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।